प्रिय दोस्तों, नवजीवन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में शास्त्री जॉनसन सी फिलिप पवित्र बाइबल से मर्मस्पर्शी संदेश प्रस्तुत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत आशीष देंगे। हम लोग नियमित रूप से उनके इन हृदय स्पर्शी वीडियो को यहाँ पोस्ट करते हैं। इन नए वीडियो के बारे में अपने आप जानकारी पाने के लिए वीडियो के नीचे पहले सब्सक्राइब बटन को और उसके बाद घंटी की बटन को दबाएं। बस हो गया काम, अब नए वीडियो की सूचना घर बैठे अपने आप आपको मिल जाएगी। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु, जिनको अपन उत्तर भारत में ईसा भी बोलते हैं या ईसा मसीह बोलते हैं, उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लिया। जन्म लेने के बाद 335 साल उन्होंने इस संसार में जीवन बिताया। शुरू के 30 साल उन्होंने माँ बाप की सेवा में लगाए और मेरे आपके लिए एक आदर्श दे गए कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार का ख्याल रखें। 30 साल की उम्र में प्रभु को ये बात ज्ञात हो गई कि अब मेरा सेवा काल आ गया है और इसलिए मुझे सेवा के लिए जाना है। प्रभु निकल पड़े। सेवा काल के लिए जब प्रभु निकल पड़े तो बहुत सारे लोग उनके पीछे चल दिए। उनमें से प्रभु ने 12 लोगों को अपने मुख्य शिष्यों के रूप में चुन लिया। इन 12 मुख्य शिष्यों के साथ प्रभु पैदल, उस समय गाड़ियां तो वैसे भी नहीं होती थी, लेकिन घोड़े गधे खच्चर तो होते थे, लेकिन प्रभु ने अपने जीवन में जनरली घोड़े गधे खच्चर आदि का उपयोग नहीं किया। सिर्फ एक बार सबसे आखिर में उन्होंने उपयोग किया, ऐसा प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। बाकी सारा समय प्रभु अपने शिष्यों के साथ पैदल हर जगह जाकर लोगों को ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रभु के कहने का मुख्य उद्देश्य ये था, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो पापी है। पापी अपने स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता है। आज भाइयों ने आखिरी जो गाना गाया था उसके शब्द यही है, पापी मैं था आपसे दूर, जो भी पाप करता है वो ईश्वर से दूर हो जाता है। पापी मैं था आपसे दूर, बचा लिया दया है आपकी। प्रभु ने बार बार ये बात बताई कि मैं इस संसार में इसलिए आया कि संसार के पापी लोगों को एक नया जीवन, एक उद्धार, मुक्ति दे सकूं। 3.5 साल उन्होंने ये बात बताई। पिछले कई महीनों से अपन प्रभु यीशु के जीवन और प्रभु यीशु की शिक्षाओं का अध्ययन कर रहे थे। आज प्रभु के जीवन की एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि हमको लूका नामक पुस्तक के 7वें अध्याय के 36वें पद से ये घटना हमको मिलती है। पवित्र बाइबल के उत्तरार्ध में जो तीसरी पुस्तक है लूका, सुन लीजिए। मैं वैसे भी पढ़ के सबको सुना रहा हूँ। वहाँ लिखा हुआ है, फिर एक धर्म गुरु ने प्रभु यीशु से विनती की कि प्रभु उसके साथ भोजन करे। इस कारण प्रभु उस धर्मगुरु के घर में जाकर भोजन करने के लिए विराजमान हुए। प्रभु जहाँ भी जाते थे भीड़ की भीड़ उनके ऊपर टूट पड़ती थी। कई बार लोग उनसे अनुरोध करते थे कि प्रभु हमारे घर पधारिए, हमारे घर को अनुग्रहित कीजिए और आप वहाँ बैठकर अपनी शिक्षा दे सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं और साथ में प्रभु एक और रोटी भी खा लें, हमको खुशी होगी, आपको शरीर में बल मिलेगा। तो इस घटना में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था जो धर्म गुरु था। धर्म गुरुओं के बारे में ये बात मानी गई है कि वे लोग धर्म से संबंधित सारी बातों को जानते हैं और करते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति ने प्रभु से अनुरोध किया,
जो कि उस समाज में जाना माना धर्म गुरु था, ठीक है। प्रभु गए, उसके घर गए, वहां लिखा हुआ है प्रभु जाकर उस धर्म गुरु के घर में भोजन खाने को बैठ गए। अगला जो श्लोक या अगला पद जो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा, इसमें जो बात कही गई है उसको जरा ध्यान से देखें। उस शहर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि प्रभु उस धर्म गुरु के घर में भोजन करने बैठे हैं, वो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। दो तीन बातें देखते हैं। शहर की एक पापिनी स्त्री है, अपन जानते हैं यदि स्त्रियों के लिए इस तरह के शब्द का उपयोग किया जाता है तो वो उसका पेशा क्या था। वो उस घर में आई। संगमरमर क्या होता है ये अपन सब जानते हैं, मार्बल। पुराने जमाने में जब कांच नहीं होता था, कांच का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ है, उस समय इत्र वगैरह संगमरमर के छोटी बर्नियां होती थी उसमें रखते थे। तो वो एक पात्र में संगमरमर लाई, संगमरमर के पात्र में लाई। आजकल भी इत्र बहुत महंगी चीज होती है, ये बात मैं बता दूं। आज से 2000 साल पहले जब इत्र के निर्माण के लिए फैक्ट्रियां नहीं होती थी, लोग जब घरों में उसका निर्माण करते थे तब तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता था। इससे मिलती जुलती एक घटना प्रभु के वचन में एक और जगह मिलती है, जहां ये बताया गया है कि एक छोटा सा पात्र, इत्र का जो पात्र था उसमें भर के जो इत्र एक स्त्री ने लाकर प्रभु के ऊपर उंडेल दिया था, उसकी कीमत एक व्यक्ति के साल भर की तनख्वाह के बराबर कीमत थी। आज जितने लोग प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग काम करते हैं, आप जानते हैं महीने भर में कितना पैसा मिलता है। आप अनुमान लगा लीजिए कि साल भर में कितना पैसा मिलता है। उतना पैसा एक बोतल संगमरमर के इत्र के लिए लगता है। ये स्त्री इस मूल्यवान भेंट को प्रभु के पास लाई, ठीक है। अच्छा, इत्र वगैरह का प्रयोग अपन कैसे करते हैं? जो लोग करते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इत्र का प्रयोग अपन कैसे करते हैं? 400 रुपए की बोतल जो है खोल के उंडेल लेते हैं क्या? जी नहीं, बोतल खोल के सावधानी से उसके ढक्कन पे जो आता है उस अत्तर को अपन बदल पे मल लेते हैं। मुझे खस का इत्र बहुत पसंद है, यहाँ नहीं होता है, सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह में होता है। खस की जरा सी बोतल जो है वो 500 रुपए की आती है, उसको कोई लेके उंडेल लेता है क्या? जी नहीं, 500 रुपए की बोतल हर कोई कोशिश करता है कि 5 साल चले। जरा सा हाथ लगाया, बदन में लगाया, चेहरे पे लगाया, बालों पे लगाया, ऐसा करते हैं। उस महंगे अत्तर को या इत्र की जो बोतल थी उस स्त्री ने खोल कर क्या किया? उसके पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र मल दिया। अरे, इत्र कोई पैर पे लगाता है क्या? इस संध्या सभा में जितने लोग बैठे हैं इनमें से हर व्यक्ति ने कभी न कभी इत्र का उपयोग जरूर किया है। मुझे जरा बताइए, आप इत्र लेके पैर पे मलते हैं क्या? जी नहीं, इत्र लेके जनरली हाथों पे लगाते हैं, पीछे के बालों पे कई लोग लगा लेता है, कपड़े पे लगा लेते हैं, कुछ लोग बदन पे भी लगा देते हैं, लेकिन जनरली इत्र जो है वो छाती के नीचे कोई नहीं लगाता है, कमर के नीचे तो कोई भी नहीं लगाता है। और ये स्त्री तो बाकायदा बहुत ही महंगे इत्र का बोतल लेके आई। उस जमाने में, उस प्रदेश में संगमरमर की बोतल बहुत महंगी चीज होती थी। इससे समानांतर जो घटना है उसमें हम पढ़ते हैं, सील्ड बोतल थी, उस सील्ड बोतल को उसने
ढक्कन तोड़ दिया जिससे कि वो खुल जाए, उसके साथ संगमरमर बेकार हो गया। इतनी मूल्यवान चीज क्यों उसने नष्ट कर दिया? अपने प्रभु की आराधना करना चाहती थी और वो ये बात जानती थी कि आराधना के लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े तो चुकाना जरूरी है। उसके बाद वो सारा का सारा इत्र प्रभु के चरणों में उसने डाल दिया। क्यों ऐसा किया? दो तीन बातें यहाँ इस घटना में हम दो लोगों को देखते हैं। एक धर्म गुरु जो ये समझता था कि मैं ईश्वर के सामने बहुत महान व्यक्ति हूं, आगे पढ़ेंगे हम। नंबर दो, वो स्त्री जो अपने पेशे से ही शायद पापिनी थी, वो इस बात को जानती थी कि मैं तो प्रभु की उपस्थिति में जाने के योग्य भी नहीं हूं। इस कारण वहां गई, उसने अपने आंसुओं से प्रभु के पैर धोए। उस जमाने में, उस समाज में एक तौर तरीका था, आज के समान डंबर की सड़कें तो होती नहीं थी, लोग साइकिल कारों में तो सफ़र नहीं करते थे, ना ही आज के समान जूते होते थे, सैंडल होते थे। सैंडल में मिट्टी के धूल भरे सड़कों पर चलकर कोई किसी घर में आता था, उसका पैर धूल से अटा हुआ होता था। आजकल जब अपने घर में कोई आता है तो अपन उसका स्वागत कैसे करते हैं? जल पीजिए करते हैं या नहीं करते हैं? उसी तरह से उस जमाने में, उस प्रदेश में कायदा था, जब भी कोई घर आता था तो पहला स्टेटमेंट या पहला कथन होता था, पैर धो लीजिए। क्यों? उस धूल भरे सड़क पर चल के कोई व्यक्ति आया है तो उसके पैर धूल से अटे हुए हैं, और लोग तो बाकायदा, धनी लोग तो दरवाजे पे ही एक गुलाम को खड़ा कर देते थे, जो बाकायदा एक बर्तन लेके खड़ा होता था, कोई भी आता था तो उसके पैर से सैंडल लेके उसको अलग रख देता था और बाकायदा उनके पैरों पे पानी डालता था, धोता था और उसके बाद अंदर आने को कहता था। और जब वो व्यक्ति अंदर चला जाता था तो ये गुलाम उसके सैंडल या जो भी चप्पल है उसको अच्छी तरह से कपड़ों से साफ करके ले जाकर रख देता था। ठीक है, इस स्त्री को यह बात मालूम थी। उसने जब सब कुछ देखा तो उसने मनी मन एक बात पहचाना, इस महान महल का मालिक, धनी, शहर का जाना माना धर्मगुरु, उसने तो बहुत ही बड़े तरीके से प्रभु का स्वागत किया होगा, 10 नौकरों ने जाके पैर धुलवाया होगा। मैं महापापिनी स्त्री, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, प्रभु के पास जाके प्रभु से अपने पापों से क्षमा की याचना कर सकती हूँ। जब हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति से अपने जीवन में जो गलतियाँ हैं या जो अधर्म है उसके लिए क्षमा मांगते हैं तो कई बार आंसू आते हैं। ये स्त्री जब प्रभु बैठे थे, प्रभु के पैरों के पास पहुंची तो अपने जीवन में जो पश्चाताप है, जो प्रायश्चित है, जो दुख है, उसके कारण उसके आंसू अपने आप बह चले। उस जमाने में जब वो लोग खाने की मेज पे बैठते थे तो आज जैसे कुर्सी पे बैठते ऐसे नहीं बैठते थे, टेबल से लगे हुए बेंच होते थे जिसमें लोग झुक कर लेटते थे और पैर टेबल से दूर रहता था। तो प्रभु का पैर उसको दिख गया, वो तुरंत प्रभु के पैरों के पास चली गई, अपने मन में, अपने जीवन के बारे में जो दुख है, उस दुख के कारण जो आंसू आए, उस आंसू से उसने प्रभु के पैर धोए, और लिखा है कि उसने अपने बालों से प्रभु के पैर पोंछे। एक स्त्री के लिए बालों की कीमत बहुत अधिक है। हिंदुस्तानी स्त्रियों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बालों की कीमत कितनी ज़्यादा होती है, वो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी, स्त्री जीवन की एक बहुत बड़ी धरोहर है। इसीलिए तो पत्रिकाओं में किसी स्त्री की फ़ोटो आती है तो लोग बड़े ध्यान से देखते हैं कि उसके बाल कितने घने हैं, कितने लंबे हैं। इस स्त्री ने
अपनी जो सबसे मूल्यवान एक धरोहर थी बाल, उससे प्रभु के पैर पोंछे, आंसुओं से प्रभु के पैर धोए, बालों से पैर पोंछे, और इसके बाद वो इत्र प्रभु के पैरों के ऊपर डाल दिया। उसने जो कुछ किया सब दूसरे लोग जो करते हैं उससे विपरीत है। आंसू से भला कोई किसी के पैर धोता है क्या? बालों से कोई स्त्री भला किसी के पैर पोंछती है क्या? और इत्र भला किसी के पैर पे डाला जाता है कि इत्र तो धड़ पे लगाने की चीज है? ऐसा क्यों किया? इसकी सही व्याख्या प्रभु स्वयं देते हैं। इस घटना को मेरे प्रिय बच्चों, इस घटना में हम देखते हैं एक आंटी किस तरह से इत्र लेकर आई, किस तरह से उन्होंने अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के पैर धोए, और किस तरह से उन्होंने अपने लंबे बालों से प्रभु के पैर पोंछे, और उसके बाद इत्र की बोतल जो है उसको ब्रेक करके प्रभु के पैरों पर डाल दिया। यदि मैं तुमको बहुत ही अच्छे से इत्र की एक बोतल दे दूंगा तो घर ले जाके उसको तोड़ ताड़ के पैर पर डाल लोगे क्या? नहीं डालोगे, है ना? उसको रोज ढक्कन खोल के थोड़ा सा अपने बदन पर लगा के स्कूल जाओगे, है ना? इस घटना में जो हुआ है उसको जरा ध्यान से देखो। ठीक है, मैं इस घटना की व्याख्या कर रहा हूं। आगे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, अगला जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही हमारी आंखें खोलने वाला स्टेटमेंट है। यह देखकर वो धर्मगुरु जिसने प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाया था, वो मनी मन सोचने लगा कि यदि ये गुरु वाकई में भविष्यवक्ता होते तो समझ गए होते कि जो स्त्री उसको स्पर्श कर रही है वो पापिनी है। यहां दो चार बातें सोचने लायक है। धर्मगुरु, अरे मैं पवित्र धर्मगुरु हूं, मैं प्रभु को लाया हूं और ये स्त्री आके प्रभु के पैर छू रही है, कर रही है, प्रभु को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि यह पापिनी है? लेकिन इसके पहले एक प्रश्न मुझे और आपको इस घटना के बारे में पूछना चाहिए। इस पापिनी स्त्री ने उस धर्मगुरु के महल में प्रवेश कैसे किया, कभी सोचा है क्या? मान लीजिए हम अपने घर में पार्टी कर रहे हैं, मान लीजिए बर्थडे पार्टी है, धन्यवाद पार्टी है, बच्चा विदेश से आया है, पार्टी है, सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। इस तरह का कोई व्यक्ति या कोई भिखारी यदि बाहर आके बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आके डाइनिंग टेबल पर बैठने की कोशिश करेगा, कोई उसको आके बैठने देगा क्या? जी नहीं। जो लोग खाना सर्व कर रहे हैं वो उससे कहेंगे कि बाहर बैठो और जब सब लोग खाना खा लेंगे तब तुमको एक प्लेट में तुम्हारा हिस्सा दे दिया जाएगा। यदि बहुत ही क्या कहना चाहिए, कुछ नौकर हैं जो किसी की कोई मदद नहीं करते, वो तो उसको भगा ही देते। यहां इतने धनी आदमी के घर में जहां कोई प्रवेश करता है तो 10 दास हैं या 10 गुलाम हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले का पैर धोने के लिए, उसको पानी देने के लिए खड़े हैं। उसके बाद नौकरों की पूरी कतार है। इस घर में किस तरह से उस स्त्री ने प्रवेश किया, इस घटना को हमने 100 बार पढ़ा होगा। कभी आपने ध्यान दिया है क्या कि उन गुलामों ने उसको क्यों प्रवेश करने दिया, उन दासों ने क्यों प्रवेश करने दिया? और फाइनली जहां पर खाना चल रहा है, फीस्ट चल रहा है, भोज हो रहा है, उस हॉल में उसको प्रवेश करने की हिम्मत कैसे हुई? इसके पीछे कारण है। धर्मगुरु जानता था कि ये पापी है, उसको कैसे पता चला? पापिनी स्त्री ने उसके घर में इतने अधिकार के साथ क्यों प्रवेश किया? इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके आपस में संबंध सही नहीं थे, इसीलिए तो इतनी धृष्टता के साथ जब वो आई तो कोई गुलाम उसको रोक नहीं सका, कोई नौकर उसको रोक नहीं सका। उसने भी नहीं पूछा कि अरे तुम यहां क्यों आई, नहीं पूछा, चुपचाप बैठा रहा, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? उस स्त्री से उसके संबंध इस तरह के थे, नौकर भी जानते थे, गुलाम भी जानते थे, वो भी जानता था,
इस कारण कोई भी व्यक्ति मुंह खोल के उस स्त्री से कह नहीं सका, इस घर में प्रवेश मत करना। इस घर में प्रवेश करने की उसको आजादी थी, इसलिए उसने प्रवेश किया। तो यहां असली पापी कौन था, यह धर्मगुरु था या वो स्त्री थी? स्त्री के बारे में प्रभु के वचन में लिखा है कि वो पापिनी थी, वो खुल के पाप करती थी, ये अंधेरे में पाप करता था। इसलिए उस स्त्री को इतनी हिम्मत हुई कि उस व्यक्ति के जो शहर का सबसे धनी और संभ्रांत व्यक्ति है, उसके घर में सारे गुलाम, सारे नौकर, सारे चौकीदार जो है, उनमें से बिना किसी के रोके टोके उस भोज के घर में प्रवेश कर गई। और यहां तक कि उस धर्मगुरु ने भी उससे ये नहीं पूछा कि अरे तुम यहां कैसे आई, नहीं पूछा। इस कारण वो बेधड़क उस घर में गई, प्रभु के पैर आंसुओं से धोए, बालों से पोछा, प्रभु के पैर में इत्र डाला। बस वो धर्मगुरु सिर्फ एक कार्य कर सका, उसने कहा कि ये प्रभु, मैं तो समझता था कि बड़े पहुंचे हुए भविष्य वक्ता है, लोगों को जानते होंगे, वो स्त्री आ रही, पैर छू रही, चूम रही है, पोंछ रही है, इत्र डाल रही है, और प्रभु ने उसको मना नहीं किया। यह एक विचित्र बात है, इस धनी आदमी के घर में, पहली बात यह है कि इस धनी के घर में प्रवेश कैसे किया? गुलामों ने मना क्यों नहीं किया, नौकरों ने मना क्यों नहीं किया? और जब वो दरवाजे से अंदर आई तो ये आंख बंद करके बैठा हुआ था क्या? ये जो धर्मगुरु है, ये आंख मीच के बैठा हुआ था क्या? मान लो आंख मीच के बैठा हुआ भी था तो आंख खुलते ही उसने जब स्त्री को देखा तो उसने उससे क्यों नहीं बोला कि अरे तुम यहां कैसे, चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ। शादियों में ये होते हुए देखा है क्या? मैंने तो बहुत देखा है। हमारे इलाके में जब भी कोई शादी होती है तो कम से कम 10-20 लोग जो सड़क चलते हैं उनको लग रहा है कि बुफे है, तो वो भी ठस लेते हैं, जिससे कि दूसरों के साथ वो भी भरपेट खा सके। पकड़े जाते हैं तब क्या होता है, देखा है क्या, कुछ याद है क्या? शहरों में तो होता है, पकड़े जाते हैं तो गला पकड़ के बाहर कर देते हैं, कई बार तो मारपीट हो जाती है। गाँव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गाँव में तो सबके लिए आज़ादी होती है, लेकिन गाँव में भी हर कोई एक साथ प्रवेश नहीं करता है। पहले एक लेवल के लोग आते हैं, उसके बाद नौकर लेवल के लोग आकर भोजन करते हैं, ये मैं याद दिला दूं। तो जब वो स्त्री अंदर भी आ गई, इवन मकान मालिक ने उससे नहीं कहा कि तुम बाहर जाओ। फिर से मैं पूछना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस घटना में प्रभु करुणा दिखा रहे, प्रभु यीशु तो करुणामयी प्रभु है, असली पापी कौन था? उस घर का मालिक। इस कारण उसका मुंह नहीं खुल पाया, जब वो औरत उस घर में उसने प्रवेश किया तो उसका मुंह नहीं खुल पाया। ठीक है बच्चों, मैंने जो बताया समझे क्या? ये औरत उस घर में आई, घर का मालिक जो है वो कहने लगा, अरे ये प्रभु के पैर छू रही है, ये तो पापी स्त्री है। सवाल ये, ऐसे लोगों को अपन घर में आने देते हैं क्या? नहीं देते हैं। ये फिर वहां कैसे आ गई? कुछ तो गड़बड़ था, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रभु ने उसका उत्तर दिया, उत्तर यहां हम देखते हैं। प्रभु यीशु ने उत्तर में कहा, उसने सिर्फ मन में सोचा, प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु सर्वज्ञानी है। उसने मन में सोचा, प्रभु ने समझ लिया कि ये ऐसा सोच रहा है। प्रभु ने उत्तर में कहा, उसने जोर से नहीं पूछा तो उत्तर में कैसे कहा, उसने मन में पूछा, प्रभु ने उत्तर दिया। प्रभु ने कहा, सुनो, उसने तुरंत कहा, हे गुरु बोलिए। प्रभु ने कहा, किसी महाजन के दो उधार वाले थे। महाजन मतलब साहूकार, जो पैसा ब्याज पे देता है, ठीक है। दो देनदार मतलब दो कर्जदार थे, एक का 500 का कर्ज था, दूसरे का 50 का कर्ज था। अब ये 550 सुनने से अपनी भाषा में कुछ समझ में नहीं आता है, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊं। एक आदमी ने 2 साल उसकी जो तनख्वाह है उतना पैसा साहूकार से ब्याज ले रखा था, 2 साल की तनख्वाह बहुत बड़ी राशि होती है, 2 साल की तनख्वाह साहूकार से ब्याज पे उठाओ कोई व्यक्ति नहीं चुका सकता है।
5-10 हजार रुपया ले लो तो कैसे तो भी चुका सकते हैं, लेकिन यदि कोई आदमी अपने 2 साल की तनख्वाह के बराबर यदि ब्याज पर पैसा देने वाले साहूकार से ले ले, वो जिंदगी भर कभी नहीं चुका सकता है, ठीक है। दूसरे ने 50 दिन का जो 50 दिन की इनकम, मतलब 1.5 महीने की उसकी जो इनकम है, उतना पैसा ब्याज पर ले रखा था, ठीक है। अच्छा, हम सब जानते हैं पैसा कई बार गांव में ब्याज पे लिया जाता है, घर में कुछ भी होता है तो ब्याज पे लिया जाता है, ठीक है। यदि कोई अपनी तनख्वाह के 1.5 गुना ब्याज पे ले ले, उसको चुका सकता है क्या? जैसे तैसे चुका लेगा। लेकिन यदि कोई अपने 2 साल की इनकम के बराबर पैसा ब्याज पे उठा ले, वो कभी नहीं चुका पाएगा, ठीक है। प्रभु कहते हैं उस साहूकार ने जो पैसा ब्याज पे देता था, उसने दोनों को माफ कर दिया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा कि मान के चलो कि उस साहूकार ने दोनों को माफ कर दिया। प्रभु ने कहा कि अच्छा, अब एक बात बताओ कि जिनका पैसा माफ किया, वे साहूकार के प्रति आभारी होंगे क्या? उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ प्रभु, आभारी क्यों नहीं होंगे, भैया उनका इतना पैसा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया, तो आभारी तो होंगे। प्रभु का प्रश्न था, अच्छा वो लोग उस साहूकार से प्रेम करेंगे क्या? क्यों नहीं प्रेम करेंगे जिसने इतना बड़ा कर्जा माफ कर दिया। अब प्रभु का प्रश्न, अच्छा एक बात तो बताओ, जिसको 1.5 महीने के बराबर कर्जा था, जिसको माफी मिल गई, वो ज्यादा प्यार करेगा, स्नेह करेगा, या जिसको 2 साल के बराबर कर्जा माफ हो गया था वो ज्यादा स्नेह करेगा? उसने कहा, प्रभु ये तो जानी ही बात है कि जिसको ज्यादा पैसा माफ हुआ है उसके मन में ज्यादा आभार होगा और ज्यादा प्रेम होगा। हाँ, प्रभु ने कहा, तुमने अपने स्वयं के मुंह से ये बात बता दी, ठीक है। उसके बाद प्रभु ने उससे कहा, देखो मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पांव धोने को पानी नहीं दिया, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। उस जमाने में तो गरीब से गरीब आदमी के घर कोई जाता था तो भी पहले उसका पैर धोने के लिए पानी दिया जाता था। ये तो बहुत ही धनी आदमी था, उसके घर में तो 10 गुलाम थे जो दरवाजे पे खड़े होकर लोगों के पैर धुलाते थे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। ये स्त्री अपने आंसुओं से मेरे पैर धो रही है, बालों से पोंछ रही है, ठीक है। अच्छा, आजकल कोई घर आता है, 2 तरीके से उसका स्वागत होता है। एक तो नमस्ते, आइए विराजिए। दूसरा तरीका, अपने बराबर के लोग होते हैं तो उनको शेक हैंड किया जाता है। प्रभु यीशु जिस गांव में थे, उस गांव में प्रभु के समान कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति घर आता था तो घर का मालिक जाकर बाकायदा उसके मुंह पर चुंबन अर्पित करके उसका स्वागत करता था। प्रभु ने कहा कि देखो, तुमने पैर धोने को पानी नहीं दिया, उसने आंसुओं से मेरे पैर धोए, उसने बालों से मेरे पैर पोंछे, तुमने मुझे चुंबन नहीं दिया, वो तो मेरा पैर चूमना नहीं छोड़ रही है। अच्छा, फिर वहां गांव में एक और सिस्टम होता था, जब कोई घर आता था सारा सिर धूल से अटा रहता था तो पहले कपड़ा दिया जाता था, कपड़े से वो अपने सिर को अच्छी तरह से पोंछ लेते थे जिससे कि धूल बालों से हट जाए। उसके बाद सर पे मलने के लिए हल्का सा इत्र देते थे जिसे वो अपने बालों पर लगा लेते थे जिससे कि बाल उड़े नहीं, बेतरतीब ना हो और सुगंध भी मिले, ठीक है। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, इसने मेरे पांवों पर इत्र मला। अब आता है प्रभु का एक स्टेटमेंट। देखो बच्चों, इतना धनी आदमी था, ठीक है, कम से कम 10 गुलाम फाटक पर थे, लेकिन प्रभु के पैरों को नहीं धोया, धोने के लिए पाए वो भूल गए। घर आते तो वो लोग चुंबन करके स्वागत नहीं किया, बालों को हल्के से कपड़े से पोंछ के उस पर इत्र मलने देते थे, नहीं दिया। प्रभु ने कहा, इस स्त्री को देखो, इसने ये सब कुछ किया, मेरे पैरों पर इत्र मल रही है। अब प्रभु ने आगे क्या बोला, इसको देखें।
प्रभु यीशु ने इसके जिसके बहुत पाप क्षमा हुए हैं वो बहुत प्रेम करता है, इसका क्या मतलब है? यह हम देखते, यह है 47वें पद में। इस स्त्री को तुम मनी मन सोच रहे हो शहर की पापिनी स्त्री है, लेकिन सुनो धर्मगुरु जी, इसके पाप बहुत थे, क्षमा किए गए, इस कारण वो मुझसे ज्यादा प्रेम करती है। तुम नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। वो स्त्री इस बात को जानती है, पापी मैं थी प्रभु आपसे दूर, बचा लिया, दया है आपकी, इस कारण प्रभु मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, मेरे आंसू, मेरे बाल, और मैंने 2 साल का पैसा, एक साल की इनकम के बराबर पैसे से जो ये मूल्यवान इत्र खरीदा है, ये आपके चरणों में अर्पित है। इसके बाद प्रभु ने उस स्त्री से एक स्टेटमेंट दिया या एक बात कही, तेरे पाप क्षमा हुए। इसका क्या मतलब हुआ? हम में से हर व्यक्ति को पाप क्षमा की जरूरत है। इस सारी सभा में ऐसा कोई भाई या बहन या बच्चा है क्या? अभी हम बच्चों का कान पकड़ते हैं। इस सारी सभा में ऐसा कोई भाई बहन या बच्चा है क्या जिसने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है? अच्छा बच्चों, जरा ये तो बताओ, तुम में से ऐसा कौन है जिसको पापा मम्मी ने कभी नहीं डांटा है? जरा हाथ उठाओ। तुमको पापा ने कभी नहीं डांटा? हाँ, कभी नहीं डांटा क्या? डांटा है, पापा ने डांटा है, हाँ। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इसका मतलब है तुम ध्यान से नहीं सुन रहे थे, ठीक है पापा ने डांटा है। ये बताओ कितने बच्चे हैं आज मेरे सामने? 2, 4, 6 है। अच्छा तुमको 2, 4, 6, 5 दिख रहे हैं क्या? फिर तो कोई गड़बड़ है। 6, तुम में से कौन है जो दूध का धुला है? दूध का धुला मतलब जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। मैं भी आज से 60 साल पहले तुम लोगों की उम्र में था, उम्र का था, मैं तो दूध का धुला नहीं था। हमारे पापा तो बेल्ट पहनते थे और रोज शाम को जब वो घर आते थे तो माँ बाकायदा उनको पूरा पहाड़ा देती थी कि आज इसने ऐसा 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 किया। पापा बाकायदा बेल्ट उतार लेते थे और उसके बाद बेल से हमारी पूजा करते थे, इसलिए हम अच्छे आदमी बन गए। समझ में आई ना बात? मुझे ये बोलने में कोई परेशानी नहीं होती है। हम अच्छे आदमी इसलिए बने कि हमारे पापा ने बेल से हमारी खूब पूजा की थी और हमारी मम्मी ने कभी भी कोई बात छुपा के नहीं रखी पापा से, सब बताया, पापा ने सब झाड़ के उतार दिया है। इससे हम क्या समझते हैं? हम में से कोई भी दूध का धुला नहीं है, ठीक है, हम में से हर एक को क्षमा की जरूरत है। हम जो बड़े लोग यहाँ बैठकर ये सुन रहे हैं, इनमें से कौन है जो दूध का धुला है? भाई मैं तो दूध का धुला नहीं हूँ, मैंने आज आपके सामने सच्चाई का वर्णन कर दिया कि हमारे पापा ने अच्छी तरह से हमारी ठुकाई पिटाई नहीं की होती तो आज हम यहाँ थोड़ी होते, हमारा जीवन तो कभी का बर्बाद हो गया होता। लेकिन प्रभु की करुणा है कि मेरे पापा ने मुझे सही रास्ते पर रखा। अब सवाल यह है, सही रास्ते पर रखने की जरूरत क्यों आई? ध्यान से सुनो, बातचीत नहीं, सही रास्ते पर रखने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि इस संसार में जन्म लिया हुआ हर व्यक्ति पापी है। पापी मैं था आपसे दूर, बचा लिया, दया है आपकी, हे प्रभु। आज से 60 साल पहले मैंने इस बात को पहचाना, तब से मेरे जीवन में एक बदलाव आया,
आज जिस इस कहानी में हम जिन दो लोगों को देखते हैं, इसमें से एक अपने आप को बड़ा धर्मगुरु समझता था, लेकिन उसकी हवेली में जब इस संसार के सृजनहार पधारे, सृजनहार को पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, और सिर धोने के लिए जब पानी नहीं दिया, उसके बाद भोज के घर में ले गए, तो इसका मतलब है कि सर से धूल पहुंचने के लिए तौलिया नहीं दिया, मुंह धोने के लिए तौलिया नहीं दिया। मुंह पहुंचेंगे, सर पहुंचेंगे, उसके बाद ही तो लगाने के लिए सर पे इत्र दिया, वो भी नहीं दिया। कई बार मेरी आपकी स्थिति ऐसी है, हम अपने आप को बहुत शाना समझते हैं, मैं ओ हो मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं, बहुत बड़ी हस्ती हूं। जरा अपने दिल को ईमानदारी से टटोल कर देखिए कि हमारा दिल किन चीजों से भरा हुआ है। मैं 50 बार यहां इस सत्संग में पूछ चुका हूं, ऐसा कोई है क्या, यदि आपके मन में यदि कोई गलत भावना आती है, बल्ब ऑन हो जाए, ऐसा कोई बल्ब यदि आपके सर पे लगा दिया जाए, तो बल्ब लेके आप सब जगह जाएंगे क्या? जी नहीं, कोशिश करें। हैं बच्चों, ऐसा कोई बल्ब तुम्हारे सर पे लगा दिया जाए, जैसे ही तुम्हारे मन में शरारत आए, बल्ब ऑन हो जाए, भाई फिर ऐसा कोई लगा जाए तो अपन कोशिश करेंगे कि किसी तरह से वो लट्टू जो है, या तो उसको तोड़ दें या उखाड़ के फेंक दें। पाप हम सबके मन में है, लेकिन ये धर्म गुरु चूंकि समाज में उसकी बड़ी हैसियत थी, इसलिए उसने अपने पाप को पहचाना नहीं। उस स्त्री की हैसियत नहीं थी, इसलिए उसने अपने पाप को पहचाना। इसने अपने पाप को नहीं पहचाना, इस कारण प्रभु के साथ जो व्यवहार करना था वो व्यवहार उसने नहीं किया। उसने अपने पाप को पहचाना, इसलिए प्रभु के साथ जो व्यवहार करना चाहिए था उसने बढ़के किया। इस संध्या, इस सत्संग में जितने लोग एकत्रित हुए हैं, ये दो प्रकार के लोग हैं। इस बात को बहुत गंभीरता से ले बच्चों, तुम लोग भी इस बात को बहुत गंभीरता से लेना। हम सब दो प्रकार के लोग हैं जो आज यहां बैठे हुए हैं। एक जिन्होंने इस बात को पहचान लिया है कि मैं असल में क्या हूं, ये कपड़े थोड़ी मेरा असली व्यक्तित्व है, मेरी पढ़ाई थोड़ी है मेरा असली व्यक्तित्व। मेरा असली व्यक्तित्व क्या है? मैं अंदर से जो हूं। हम यदि अपने मन के अंदर झांके तो हम पाएंगे कि हम पापी हैं, नालायक हैं, निकम्मे हैं। आज इस कहानी में दो लोगों को देखते हैं, एक समाज में बहुत बड़ा था, इसलिए वो हमेशा अपने पापों के प्रति अंधा रहा, और जब प्रभु उसके घर आए, जो कि उसके जीवन में सबसे बड़ी घटना थी, इस संसार के सृजनहार मनुष्य रूप में उसके घर पधारे, उसने प्रभु को पहचाना ही नहीं। क्यों? अंधा था। क्यों अंधा था? समाज में उसकी जो हैसियत थी उसके कारण वो अंधा हो गया। लेकिन उस घर में जब प्रभु गए तो समाज की एक पापिनी स्त्री ने पहचाना। क्यों? इसलिए कि उसको मालूम था कि वो क्या है, इस कारण उसने संसार के सृजनहार को पहचाना। उस घर में उसको जो आजादी मिली थी उसके कारण गई और प्रभु से मुंह खोल के उसने एक शब्द नहीं बोला। प्रभु सर्वज्ञानी है, प्रभु समझ गए कि यह स्त्री अपने पापों से पश्चाताप कर रही, प्रायश्चित कर रही, और प्रभु ने उससे कहा, पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए। उस धर्मगुरु से कहा क्या? नहीं बोला। क्यों? इसलिए कि उसको अभी तक यह बात समझ में नहीं आई थी कि इस संसार में जन्मा हुआ हर व्यक्ति पापी है, मैं भी पापी हूं, मुझे पाप से क्षमा की जरूरत है। यदि उसको ये बात मालूम हुई होती तो उस गांव में जो कस्टम था, जो तौर तरीका था, उसके हिसाब से प्रभु जब उसके दरवाजे आए, दौड़ के वो प्रभु के सामने साष्टांग गिर गया होता। उसके बाद उसने कहा होता, प्रभु आइए मैं आपके पैर धोता हूं। उसके बाद अंदर ले जाके उसने प्रभु को मुंह पहुंचने और सर पहुंचने के लिए तौलिया दिया होता। उसके बाद प्रभु के सर पर लगाने के लिए इत्र दिया होता। उसके बाद प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु से याचना करता कि हे प्रभु, मैं पापी हूं,
मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। उसने कुछ नहीं किया। आज संध्या हम जो प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, हम सबको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हम पापी हैं। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है वो पापी है, और उसको जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा हो रंक हो फकीर हो, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। चाहे शहंशाह हो, चाहे भिखारी हो, चाहे त्यागी हो, सबको जाना पड़ेगा। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि मनुष्य के लिए प्रभु ने एक दिन नियुक्त किया है जब वो इस संसार को छोड़ जाएगा और प्रभु के सामने न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा। तब क्या होगा? तब ये पार्टी वार्टी सब धरी रह जाएगी। तब सिर्फ एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर चाहिए, पुत्र पुत्री तुमने पाप से क्षमा पाई है क्या? आज संध्या को यही प्रश्न मैं यहाँ उपस्थित सभी भाइयों से, सभी बहनों से और सभी बच्चों से करना चाहता हूँ। बच्चे कहेंगे, अरे अंकल जी बच्चों से आप कैसे प्रश्न कर रहे हैं? अरे मैं जब तुम्हारी उम्र में था तब मेरे पापा ने मुझे ये बात बताई थी कि बेटा इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो पापी है और उसको उद्धार की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है। प्रभु यीशु ने संसार में मेरे तुम्हारे पापों के लिए अपना जीवन दिया। मैं 6 साल का था। 6 साल के तो कम है, उससे बड़े बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। तो 6 साल की उम्र में यदि मैंने इस बात को पहचाना तो तुमको तो जरूर पहचान लेना चाहिए। वहीं पर मैंने घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं पापी हूँ, आपने मेरे पापों के लिए अपने जीवन दिया, मुझे पाप क्षमा दीजिए। बच्चों तुमको भी ये बात समझनी चाहिए, तुम में से सबको पाप से क्षमा की जरूरत है। और इस कारण आज जब ये सभा हो जाए तो उसके बाद जो भी व्यक्ति ये बात अच्छी तरह से तुमको समझा सकता है उनसे जरा बात कर लेना। वो सबसे पीछे एक आंटी बैठी हुई हैं, सबसे इस तरफ, हाँ वो बहुत अच्छी तरह से ये बात तुमको समझा देंगी, उनसे बात कर लेना। वो यदि व्यस्त हों तो मेरे पास आ जाना। मैंने आंटी का नाम इसलिए लिया कि मुझसे और भी अंकल लोग बातचीत कर रहे होंगे, मैं व्यस्त होऊंगा, कहीं चले मत जाना है। आंटी को घेर से घेर लेना, उनसे पूछना कि आंटी बताइए वो अंकल जी जो कह रहे थे वो हमारे जीवन में हम कैसे करें। मैंने 6 साल की उम्र में प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे एक नया अनुभव दिया, तब से मेरे जीवन में बहुत खुशी है। ठीक है, तुम लोग भी इस खुशी को पाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुम सब लोग आए और सामने बैठ गए जिससे कि मैं तुमसे बात कर सकूं। अफसोस सिर्फ इतना है कि बड़े लोग बहुत ज़्यादा हो गए इसलिए ज़्यादातर बातचीत उनसे करनी पड़ी। ठीक है, आइंदा अपन ऐसा करेंगे कि तुमको अलग ले जाके तुमको अच्छी कहानी वगैरह अलग से सुनाएंगे। ठीक है, अच्छा मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की नज़र में ये बच्चे और उनका जीवन उतना ही मूल्यवान है जितना मेरा और आपका है। और ये वो उम्र है जब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको प्रभु के बारे में बताएं। मुझे अफसोस है कि आज ये कंबाइंड मीटिंग हो गई और बच्चों को इस सभा में बैठना पड़ा, लेकिन उनको जो बताना था वो मैंने बता दिया है। आगे प्रभु मदद करेंगे तो उनको और डिटेल में बताएंगे। लेकिन अब आप लोगों से दो शब्द और बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। इस सभा में कितने लोग हैं जो खड़े होकर कह सकते हैं कि शास्त्री सर पापी मैं था, प्रभु से दूर बचा लिया, दया है प्रभु की। मैं ये कह सकता हूँ आज से 60 साल पहले मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। और यदि मैं हाथ उठाने को बोलूँ तो यहाँ से लेकर पीछे तक कई भाई बहन हैं जो दोनों हाथ उठा के कहेंगे कि हाँ प्रभु ने मुझे बचा लिया। ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि आज इस सभा में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने जीवन में इस उद्धार या मुक्ति का अनुभव नहीं किया है। उनसे एक अनुरोध है, वो जो धर्म गुरु थे ना उसके समान घमंडी होकर ना बैठे। घमंडी होकर बैठा रहा उसको पाप से क्षमा नहीं मिली। मनुष्य को एक दिन यह संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई तो इस सभा के बाद चाय पानी का समय होगा, हम सबके पास समय है बातचीत करने के लिए। हमसे आके मिलिए, बात कीजिए, ये सारी बातें विस्तार से आपको सुनाएंगे।
और यदि अभी आपके पास समय नहीं है तो हमारे भाई जेफरी, जो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटे हैं लेकिन उत्साह में मुझसे 10 गुना ज़्यादा है, उनसे बोलिए वे मुझे या और किसी और को लेकर आपके पास आएंगे, जैसे फुर्सत से अपन बात करेंगे, ये बात आपको सारी बातें समझाएंगे। जिन्होंने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया वे लोग इस बात को समझ लें। लेकिन क्लोज करने के पहले एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आज जितने इस सभा में उपस्थित हैं उनमें से जिन्होंने भी प्रभु को ग्रहण किया है उनसे मेरा प्रश्न है, प्रिय भाई प्रिय बहन, आज प्रभु के प्रति आपका व्यवहार कैसा है? प्रभु जब आपके द्वार आते हैं जाके साष्टांग गिर के प्रभु का स्वागत करते हैं क्या? मेरा और आपका प्रभु के साथ प्रतिदिन जीवन में ऐसा संबंध है क्या? आप कहेंगे कि कुछ बात समझ में नहीं है, ठीक है मैं समझाता हूँ। ये संडे शाम का समय है, घर जाके खाना खा के हम लोग सो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक और दिन हमको मिलेगा, लेकिन कल सुबह जब आप उठेंगे तब जब सूरज की रोशनी देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि प्रभु ने अपनी असीमित कृपा में हमको एक और दिन दिया है। जब उस नए दिन को देखेंगे तब सबसे पहले साष्टांग प्रभु के चरणों में गिरकर, हे प्रभु आपने मुझे एक और दिन दिया इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, अभी तक बोला या नहीं बोला वो छोड़ दीजिए, मैं कल के बारे में पूछ रहा हूँ। प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं तो उस वचन जो हम सुनते हैं उसके कारण मेरे आपके जीवन में एक बदलाव आना चाहिए। यदि अभी तक ये बदलाव नहीं आया है तो मेरा अनुरोध है कल जब प्रभु को आपको एक नया दिन देंगे, प्रभु आपकी करुणा आपने ये नया दिन दिया है इस कारण आज मेरी मदद कीजिए कि मैं इस तरह से जीवन बिताऊं जिससे आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम की महिमा हो। इस तरह से एक निर्णय लेकर यहाँ से जाने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप सबके साथ हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो।